जलालुद्दीन के पे दर पे हमलों से तातारी मुंतशर होकर पीछे हट गए और क्लब की सफ़ें फिर से मर्तब हो गईं। लड़ाई का पांसा लम्हा बा लम्हा बदल रहा था। कई बार मुसलमान आगे बढ़े और कई बार तातारी इनको धकेल कर पीछे ले गए। दोनों लश्करों की सफ़ें मैदान की तंगी के बायस नेम दायरे की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। सूरज गरूब होने पर भी मौतो हयात का ये मुहारका जारी था। तो इस तरह होते होते रात अंधेरी सहरात में तब्दील होने लगी तो दोनों फरीक मैदान जंग से हटने लगे। तारीख अल कामिल इब्न नसीर के मुताबिक ये लड़ाई 3 दिन तक जारी रही थी और इसमें शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 20,000 थी। जबकि हेरोल्ड लैम्प और ज्यूनी की तहरीरों से मालूम होता है कि लड़ाई 1 दिन में ख़त्म हो गई थी। ताहम ये बात यकीनी है कि मुसलमानों को इस जंग में तवक्को से कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिससे शुरू ही में ख्वाज़म शाह और इसके बेशतर उमरा तातारियों से मरूब हो गए और इसके बुरे असरात बाद की जंगों में नुमाया तौर पर ज़ाहिर हुए। अभी इस जंग का हतमी फैसला नहीं हुआ था, ताहम आइंदा रोज़ की जंग फैसला कुन साबित हो सकती थी, लेकिन जूजी अपना मकसद हासिल कर चुका था। अब इसके लिए यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं था। ख्वाज़मी अफवाज को धोखा देने के लिए तातारियों ने अपने खेमे और यूरीथ इसी तरह खड़े रहने दिए। दोनों फौजों के पड़ाव के दरमियान एक नदी आयल थी। ख्वारज़्मी अफवाज को यकीन था कि तातारी नदी के उस पार हैं, लेकिन जब सुबह हुई तो वो तातारी खेमा गाहों में गए तो वहाँ तातारियों का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि वो रातों रात खामोशी से कूच करके यहाँ से जा चुके थे। ताकुब बेसूद था और पुरख़तर भी। ख्वारज़्म शाह ने जूजी की वापसी पर इत्मीनान का सांस लिया और इन पहाड़ों से वापस निकलने में देर नहीं लगाई, जो इसकी फ़ौज के बेहतरीन हिस्से को ख़त्म कर चुकी थी। सरकारी तौर पर इस जंग में कामयाबी का ऐलान कर दिया गया था, फतह का जश्न मनाया गया और एक तकरीब में ख्वाज़म शाह ने बहादुरों को खुलतों से नवाजा। दरिया सूं के पार हज़ारों जाने गंवाने के बाद ख्वाज़म शाह बकिया लश्कर के साथ मलकित के वस्त में पड़ाव डालकर आइंदा के लाए अमल के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। जंगी हिकमत अमली तय करने के लिए दुश्मन की नकलो हरकत से पूरी आगाही ज़रूरी थी, मगर ख्वारज़्म शाह की बदकिस्मती के इसके जासूस इस मौके पर ख़बर रसानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे। मुमकिन है इनमें से बाद दुश्मन के हाथों बिक चुके हों। जो भी हो, बहरहाल तातारी लश्कर कई रास्तों से इस तरह दबे पाँव सिरकता हुआ आ रहा था। इधर जुबी नुयान जुजी से अलीहदा होकर 20,000 जंगजुओं के एक लश्कर के साथ जनूब मशरक की तरफ से इन पहाड़ों और ग्लेशियरों का चक्कर काटते हुए जिनसे दरिया जू निकलता है समरकंद की तरफ बढ़ रहा था। ख्वाज़म शाह को इस पेशकदमी की इतला उस वक़्त हुई जब जेबी नुयान समरकंद से सिर्फ 200 मील के फासले पर रह गया था। मशरक और जनूब मशरक से तातारियों की इस अचानक यलगार की खबर से ख्वारज़्म शाह मजीद बदहवास हो गया। महकमा ख़बर रसानी की कमज़ोरी के बायस ख्वारज़्म शाह को ये मालूम ना हो सका कि समरकंद का रुख करने वाला दुश्मन का लश्कर 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके लिए समरकंद जैसे मजबूत किले पर कब्ज़ा करना आसान नहीं है। अगर सही सूरत हाल सामने होती तो शायद ख्वारज़्म शाह इतना हरासान नहीं होता, मगर अब वो समरकंद और दीगर शहरों के दिफा को इंतहाई मुश्किल तसव्वुर कर रहा था। इसने जंगी मशावरत तलब की, मगर यहाँ भी अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़्म शाह ने अपने उमरा हत्ता के अपने बेटे की राय को भी तस्लीम नहीं किया। इसने सरदारा ने लश्कर को बावर कराया कि मुमलकत के तमाम किले और फसील इतने मजबूत हैं कि तातारी सर तोड़ कोशिश करके भी कई माह तक इन्हें फतह नहीं कर सकेंगे और फसलों और बागात को लूट कर वापस चले जाएंगे। लिहाजा एक जगह फैसला कुन जंग के बजाय मुख्तलिफ मकामात पर फसील बंद होकर दिफा करना काफ़ी है। इस मफरूजे को बुनियाद बनाकर ख्वारज़्म शाह ने अपनी कुल फ़ौज में से 2,00,000 सिपाही अलग करके
इन्हें सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों की हिफाजत के लिए तकसीम कर दिया। यनियाल खान को 50,000 सिपाही देकर उतरार के दिफा के लिए मुकर्रर किया गया। कत्ल खान को 10,000 अफराद के साथ शहर किंत की हिफाजत सौंपी। फखरुद्दीन अलनूसी को हुक्म दिया कि सजस्तान की फ़ौज को साथ मिलाकर तरमिज का दिफा करें। बिलखमूर खान और अबू मोहम्मद को बलख की निगरानी पर मुकर्रर कर दिया। बुखारा को किसी फौरी हमले से महफूज समझकर इसकी फसील को नाकाबिल अबूर गुमान करते हुए शाह ने इसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 30,000 सिपाही मुतयन करना काफ़ी समझा। ये सिपाही दरबार ख्वारज़्म के हाजिब आला अगल हाजिब एनाज खान और इख्तियारुद्दीन कश्की की कमान में दे दिए गए। तो ख्वारज़्म शाह ने ज़्यादातर फौज इस तरह मुंतशर कर दी और बाकी 1,10,000 सिपाहियों को लेकर खुद समरकंद रवाना हो गया। यहाँ उस वक़्त बज़ाहिर सबसे ज़्यादा ख़तरा था क्योंकि मखबरों के बयान के मुताबिक तातारी लश्कर समरकंद से सिर्फ 200 मील के फासले पर नकलो हरकत कर रहा था। मगर बहुत जल्द ये बात वाजे हो गई कि शाह की हिकमत अमली हकीकत के बिल्कुल बरक्स गलत फहमियों पर इस्तवार थी। समरकंद के आसपास नज़र आने वाला लश्कर जेबी नोयान के 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। सिर्फ शाह को इसी तरफ मुतवजह रखने के लिए नुमाइशी पेशकदमी कर रहा था। दूसरी तरफ बुखारा, जिसे शाह मुकम्मल तौर पर महफूज समझ रहा था, तातारियों की हौलनाक व्यवहार की जद में आ चुका था। चंगेज़ खान अपनी असल फौज के साथ सहराओं से निकलकर अनकरीब अकब से बुखारा पर हमला करने वाला था। तातारियों की एक और फौज दरिया सियों के साथ वाके ताशकंद और अतरार पर हमला कर चुकी थी। ताशकंद किसी काबिल जिक्र मजामत के बगैर फतह हो गया, मगर अतरार की संगीन फसीलें देर तक तातारियों के दर्द सर बनी रहीं। हाकम अतरार यनाल खान ही वो शख्स था जिसने तजारती काफिले को जासूसी के इल्ज़ाम में कत्ल कराया था और चंगेज़ खान ने बदले में इसी को ख्वाज़म शाह से तलब किया था। इस लिहाज से चंगेज़ खान के नज़दीक अतरार का मुआज नहायत अहमियत का हामिल था। इसने अपने दो बेटों उक्ताई और चौताई को अतरार पर हमलावर फौज की कमान सौंप कर सख्ती से ये ताकीद की कि वो यनाल खान को हर कीमत पर जिंदा गिरफ्तार करके इसके रूबरू पेश करें। तातारी लश्कर दरिए सिहूं अबूर करके अतरार के सामने नमूदार हुआ और सख्ती से शहर का मुआसरा कर लिया। तातारी सिपाही रोज़ाना मुख्तलिफ सिमतों से फसील पर हमलावर होते, मगर ख्वारज़्मी सिपाहियों की तीरंदाजी और संगबारी से घायल होकर पीछे हट जाते। तातारियों के नुकसानात ज़्यादा होने के बावजूद इन्हें अपने कलबे लश्कर से किमिक मिलने का इत्मीनान था। मुआसरा तवील से तवील तर होता गया। आखिरकार ख्वारज़्म शाह ने इस मुआज की अहमियत का एहसास करते हुए 10,000 सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता हाजिब कराचा की क्यादत में अतरार के हाकिम के लिए रवाना कर दिया। सख्त मुआसरे के बावजूद हाजिब कराचा शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गया। यनाल खान की खामोशी काबिल दीद थी। इसका ख्याल था कि ये गैबी मदद अतरार के सामने दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त का बायस बन सकती है, मगर अफसोस सद अफसोस हाजिब कराचा के दिल में बुजदली और मौत से कराहत का फर्ज पैदा हो चुका था। यनाल खान किसी और नज़रिए से सोच रहा था और वो किसी और जाविये से सोच रहा था। दोनों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 4 माह के मुआसरे के बाद अब शहर में खुराक के ज़खीरे ख़त्म होते जा रहे थे और बहुत जल्द फाकों की नौबत आ गई थी। एक रात अतरार में ऐसी आई कि तमाम लोग सो रहे थे, मगर कराचा के सिपाहियों ने शहर के दरवाजे खोल दिए। यनाल खान को इस कार्रवाई का इलम उस वक़्त हुआ जब तातारियों के दस्ते शहर के दरवाज़ों से अंदर दाखिल हो रहे थे। कराचा की गद्दारी पर वो लहू के घूंट पीकर रह गया, तीर कमान से निकल चुका। आखिरी कोशिश के तौर पर इसने अपने अहल वयाल और जानिसार साथियों को किले के अंदर जमा कर लिया और दरवाजे
बंद कर लिए। उस वक्त इसके पास 20,000 सिपाही बाकी रह गए। अतरार का शहर मंगोलों की हौलनाकियों से गर्क हो गया था। इसके बाद कराचा को उक्ताई खान के पास ले जाया गया। कराचा मुस्तकबिल के बेहतरीन सपने देखता हुआ उक्ताई खान के पास गया। उक्ताई खान ने इसे अपनी कौम से गद्दारी करने पर सख्त बुरा भला कहा और खूब गालियां दी और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दें, और इसकी गर्दन उड़ा दी गई। तातारियों ने चंगेज़ खान के हुक्म के मुताबिक यानाल खान को गिरफ्तार कर लिया। अतरार से जाते हुए तातारियों ने जोश इंतकाम में फसील शहर, किले और मकानात को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। ये तातारी लश्कर जो यलगार की इब्तदा ही से चंगेज़ खान की असल अफवाद से अलीहदा सरगर्म रहा था, अपनी मुहिम से फारिग होकर अब समरकंद रवाना हुआ, जहाँ अनकरीब चंगेज़ खान मुआसरा करने वाला था। चंगेज़ खान अपने छोटे बेटे तूली खान को साथ रखते हुए किसी नामालूम मकाम से बड़ी खामोशी के साथ दरिया सिंह अबूर करके सहराई वसतों में दाखिल हो गया। वो ख्वारज़्मी आबादियात को अपने बाएं हाथ की सिमत छोड़ता हुआ इनसे कई सौ मील परे बहरे अराल के साथ साथ सहरा में सफ़र करता रहा। फिर सहरे कज़लकुम का चक्कर काट कर वो शुमाल मगरिब की सिमत से बुखारा की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इसके बेखबर हरीब मशरक़ की तरफ रुख करके तातारी यलगार का इंतज़ार कर रहे थे। मशरक़ की सिमत भी तातारियों से खाली ना थी। जूजी और दूसरे शहजादे दरिया सिंह के आसपास वाक़ शहरों को फतह करने के बाद मशरक़ से यलगार शुरू करने वाले थे, जबकि जनूब मशरक़ की सिमत ने जो भी नुयान समरकंद से 200 मील के फासले तक पहले ही पेशकदमी कर चुका था। तो इस तरह ख्वारज़्म शाह तीनों अतराफ से मंगोलों के घेरे में आ चुका था। आगाज़े माह मुहर्रम 1220 ईस्वी में तातारियों के अनगिनत दस्तों ने बुखारा का मुआसरा कर लिया। हाथ में बुखारा यनाज खान अपने मुहासबीन के साथ फसील शहर से तातारियों के पड़ाव का नज़ारा कर रहा था। दूर दूर तक तातारियों के ख़ास किस्म के खेमे यूरीत नसब किए जा रहे थे। चंगेज़ खान का बुलंद यूरीत बुखारा के किले के ऐन सामने था। हाथ में बुखारा यनाज खान और कई फौजी अफसरान हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। रात के वक़्त यनाज खान, कुक खान, कशली खान, हमीद बोर और सोंज खान 30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर शहर की फसील से बाहर निकले और तारीकी में दुश्मन को गाफिल जानकर इस पर पूरी शिद्दत से हमलावर हो गए। मगर मालूम होता है कि मकबरी हो चुकी थी और तातारी इनके मंसूबे से आगाह हो चुके थे, इसलिए वो पूरी तरह चौंके थे। नतीजतन ये तमाम ख्वारज़्मी सिपाही दुश्मन के नरगे में आ गए और चंद एक के सिवा बाकी सब लड़ते हुए शहीद हो गए। इस नाकामी के बाद अहले शहर को मुदाफियत की कोई उम्मीद ना रही और अगले रोज़ उन्होंने अलामा बदरुद्दीन काजी खान रहमतुल्लाह की क़यादत में एक वफद चंगेज़ खान के पास भेजा और जाँ बख्शी की दरख्वास्त करके शहर के दरवाज़े खोलने पर आमादगी ज़ाहिर की। चंगेज़ खान ने इन्हें अवाम की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चुनाचा शहर की चाबियां इसके सुपुर्द कर दी गईं। यूं ही मंगोल बुखारा के किले के अंदर दाखिल हुए। यहां भी उन्होंने खून की होली खेली। कुछ मुंतखब मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर इन्हें अजियतों का निशाना बनाते हुए तातारी समरकंद की तरफ चल पड़े। पैदल और बेबस कैदी घोड़ों की रफ्तार का साथ ना दे सकते थे, मगर इन सब इंतजामात के मुकाबले में तातारियों की अगली पेशकदमी का अंदाज़ा बेहद हैरान कुन और दहशतंगेज़ था। समरकंद में अफवाज की कसरत और किले और फसील के इस्तकाम को मद्देनज़र रखते हुए चंगेज़ खान का ख्याल था कि यहाँ एक घमासान की जंग होगी जिस पर
दोनों कौमों की फनाओ बका का मदार होगा। इसलिए वो तमाम अतराफ़ की अफवाज को मुख्तलिफ खतूत पर पेशकदमी करते हुए समरकंद पहुँचने का हुक्म दे चुका था। मई 1220 में तातारी लश्कर समरकंद के सामने जा पहुँचे और वहाँ यनाल खान को भी कत्ल कर दिया गया। समरकंद के मुआसरे के तीसरे दिन शहर के दरवाजे खोल दिए गए। ख्वारज्मी सिपाही मुंजम मदनाज में बाहर निकले और नारे तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। तातारी भी लड़ाई के लिए पूरी तरह कमर बस्ता थे। घुमासान की जंग शुरू हो गई। नेजाबाजी, शमशीरजनी और तीरंदाजी अपना जोबन दिखाने लगे। तातारी अफवाज की कसरत के बावजूद मुसलमानों की जमा मर्दी काबले दीद थी। उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। हर बार तातारी सैलाब को आगे बढ़ने के बाद उल्टे पांव पसपा होना पड़ा। शाम तक जारी इस मुआरके में तातारियों की एक बड़ी तादाद मारी गई और इनके बहुत से सिपाही कैदी बना लिए गए। मुसलमान भी खासे शहीद हुए। इसके बाद चंगेज़ खान ने जंग का नया मंसूबा तय किया और अगले दिन वो घोड़े पर सवार होकर बज़ात खुद कमान करते हुए शहर पर हमलावर हो गया। ये हमला इतना शदीद और अचानक था कि समरकंद की अफवाज बाहर निकलकर न लड़ सकी। अपनी शिकस्त को देखकर समरकंद के लोगों ने चंगेज़ खान से अहले शहर को आम माफ़ी देने की दरख्वास्त की। चंगेज़ खान ने इसको भी मंजूर कर लिया। यहाँ भी गद्दारों ने फसील के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था। आम माफ़ी के वादे को पसे पुश्त डाल दिया गया। अहले समरकंद की जानों माल इज्जत व आबरू कोई शय महफूज नहीं रही। ऐलान किया गया कि तमाम लोग शहर से बाहर निकल आएं, जो अंदर नजर आया इसे कत्ल कर दिया जाएगा। फतह के दूसरे दिन तमाम अहले शहर का कत्लेआम किया गया और लाखों बदगाने खुदा की लाशों से समरकंद के बाजार, गलियां और मैदान पुर हो गईं। अतरार, बुखारा, समरकंद तमाम शहर तबाह हो गए, लेकिन अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज्म शाह का नामो निशान भी नहीं मिला। चंगेज़ खान सोचने लगा कि अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज्म शाह गया तो गया कहाँ, ये भी आपको बताएंगे लेकिन अगली वीडियो में। दोस्तों, ख्वारज्म सल्तनत की दास्तान हम अक्सात में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ख्वारज्म सल्तनत से जुड़े हर वाक़यात अपने अंदर एक दास्तान रखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सही तारीख को आपके सामने बेहतरीन अंदाज से लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखीर मिलती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़।